मोर और नीलकंठ की कहानी, पंचतंत्र कहानी। बरसात का मौसम था। मोर सुंदर पंख फैलाए नाच रहे थे। पेड़ पर बैठे एक नीलकंठ ने उन्हें नाचते हुए देखा तो सोचने लगा कि काश मेरे भी पास ऐसे सुंदर पंख होते, तब मैं इनसे भी ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ता। कुछ देर बाद वह मोरों के रहने के ठिकाने पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मोरों के ढेर सारे पंख जमीन पर बिखरे हुए हैं। उसने सोचा कि यदि मैं इस पंखों को अपनी पूंछ में बांध लूं, तो मैं भी मोर जैसा सुंदर दिखने लगूंगा। बिना देर किए उसके उन पंखों को उठाया और अपनी पूंछ में बांध लिया। वह बहुत प्रसन्न था। उसे लगने लगा कि वह भी मोर बन गया है। वह ठुमकता हुआ मोरों के बीच गया और घूम घूम कर उन्हें दिखाने लगा कि अब उसके पास भी मोर जैसे सुंदर पंख हैं और वह उनमें से ही एक है। मोर ने जब उसे देखा तो पहचान लिया कि वो तो एक नीलकंठ है। फिर क्या, सब उस पर टूट पड़े। वे उस पर चोंच मारकर मोर पंखों को निकालने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने नीलकंठ की पूंछ में से सारे मोर पंख निकाल दिए। नीलकंठ के साथी गण दूर से यह सारा नज़ारा देख रहे थे। सारे पंख मोरों द्वारा निकाल दिए जाने के बाद दुखी मन से नीलकंठ अपने साथियों के पास गया, लेकिन वे सब उससे नाराज थे। वे बोले, सुंदर पक्षी बनने के लिए मात्र सुंदर पंख ही आवश्यक नहीं है, हर पक्षी की अपनी सुंदरता होती है। तो दोस्तों, हमें इस छोटी सी कहानी से क्या सीख मिलती है? दूसरों की अकल न करें, स्वाभाविक बने। सो आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरी चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्णा।